नमस्कार दोस्तों, मैं हीरो हीरालाल स्वागत करता हूँ एजुकेशन आईटी क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में वो चीज़ बताने वाले हैं जो आप गेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में सबसे जो बेसिक थिंग है वो जानना है कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट द डाटा बाई यूजर एंड प्रोसेस देन लास्टली गिव अस मीनिंगफुल रिजल्ट। उसके बाद अंत में हम लोग को जो एक रिजल्ट देता है मीनिंगफुल, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। तो आखिर कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट करता है डाटा बाय यूजर। यूजर के द्वारा क्या करता है? डाटा को एक्सेप्ट करता है देन प्रोसेस एंड लास्टली गिव अस मीनिंगफुल रिजल्ट। उसके बाद अंत में हम लोग को जो एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में दो चीज़ है, एक यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं डेटा के बारे में, तो डाटा क्या होता है, और एक है यूजर। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखते हैं यूजर क्या होता है। देखिए यहाँ पे यूजर, यूजर का अर्थ होता है यूज करने वाला। जैसे अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए आप यूजर बन गए, अगर आप स्लीपर यूज कर रहे हैं तो स्लीपर के लिए आप यूजर बन गए, अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो पेन के लिए आप यूजर बन गए, जैसे हम मार्कर यूज करते हैं तो मार्कर के लिए हम यूजर बन गए। अब देखते हैं डेटा। अब डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डाटा। रॉ फैक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। जैसे 40 हो गया, 60 हो गया, और नहीं तो हम कोई नंबर संख्या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप किसी से पूछिएगा कि 40 के बारे में कि 40 क्या है, 60 क्या है, तो आपको बताएंगे 40 एक नंबर है। नॉर्मली हम कहें तो वास्तव में क्या है 40? आपका एक रॉ फैक्ट है। संख्या, तथ्य और आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। अब ये जो डाटा होता है, डाटा तो समझ गए, अब एक होता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? वैसा डाटा, ये डाटा विच कन्वर्ट द मीनिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। वैसा डाटा जो हम लोग एक मीनिंग देता है हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सूचना। अर्थपूर्ण डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन में जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट द डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब हम लोग जो टाइप करते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, देन प्रोसेस एंड लास्टली गिव अस मीनिंगफुल रिजल्ट। उसके बाद अंत में हम लोग को जो एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। ये जो मीनिंगफुल रिजल्ट देता है इसी मीनिंगफुल रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए अब है कंप्यूटर में क्या इंट्रैक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश, यानी तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब हम लोग कंप्यूटर को जो भी आदेश देते हैं, जो भी हम लोग डाटा टाइप करते हैं उनके अनुसार जो भी आदेश देते हैं हम कंप्यूटर को, तो वही आदेश को क्या कहते हैं? हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं कंप्यूटर में। अब प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को, ग्रुप मतलब कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, आदेश देते हैं, उसी को ग्रुप को कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। अब फादर्स ऑफ कंप्यूटर, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 ईस्वी में लंदन में हुआ था, और इनका मृत्यु 1871 ईस्वी में मेलबर्न हुआ था। और मेलबर्न कहाँ पर है? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और मेलबर्न किस चीज़ के लिए फेमस है? तो क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है। अब देखिए कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूटर। ये जो है ग्रीक वर्ड कंप्यूट से बना है, मतलब कंप्यूटर वर्ड का खोज कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड कंप्यूट से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना किसी भी चीज़ के बारे में। कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेशन ही करता है। तो अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर डे यानी तो कंप्यूटर लिटरेसी डे। और लिटरेसी का अर्थ यहाँ पे होता है साक्षरता। हम कह सकते हैं कंप्यूटर दिवस, यानी तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं?
तो प्रत्येक साल हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ईच ईयर 2 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पे वर्क करता है, जिस तरह हम लोग भी एक सिद्धांत पे वर्क करते हैं। जैसे हमसे कोई अगर कोई चीज़ पूछे, नाम पूछे या नहीं, तो कोई भी चीज़ पूछते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कान से सुनते हैं। तो कान से हम लोग जो सुनते हैं तो यह कहलाता है इनपुट मेरा, और उसके बाद क्या होता है, वह बात तुरंत माइंड के पास जाता है, और माइंड क्या करता है, प्रोसेस करता है, सोचता है कि वो किस चीज़ के बारे में हमसे पूछे हैं, तुरंत वो कैलकुलेट वो प्रोसेस करके सोच के समझ के हम वो तुरंत रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट हम लोग क्या कहते हैं, मुख से बोलते हैं। तो मुख से जो हम लोग बोलते हैं तो वो कहलाता है क्या चीज़, वो कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट। तो कंप्यूटर भी जस्ट उसी तरह एक सिद्धांत पे वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, देखिए हम डिस्कस करते हैं। इनपुट मतलब हम लोग जो भी डाटा टाइप करते हैं, टाइप किसके मदद से करते हैं, या तो माउस की मदद से टाइप करते हैं, नहीं तो कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं, नहीं तो स्कैनर की मदद से कोई भी डाटा हम स्कैन करके कंप्यूटर में देते हैं। मतलब हम लोग जो भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो डाटा मेरा कहलाता है इनपुट डाटा कहलाता है। फिर वो डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यह प्रोसेस होने के बाद हम लोग को जो एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और वो आउटपुट हम लोग कहाँ पे देखते हैं, आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मॉनिटर पे देख सकते हैं, स्पीकर, अगर कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो बाहरी साउंड के लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है तो स्पीकर का यूज करते हैं। हम लोग जैसे कोई डाटा बनाए उसको चाहते हैं पेज करके बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का। और सपोज कोई प्लॉटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, फॉर मेक अ बिग पोस्टर और बैनर, जब हम लोग कोई बड़ा पोस्टर या बैनर बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पे इनपुट अगर पूछे इनपुट क्या होता है, तो इनपुट किसे कहिएगा, तो हम लोग जो भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो डाटा मेरा कहलाता है इनपुट डाटा। और वो डाटा या तो हम माउस की मदद से टाइप कर सकते हैं, या कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं, नहीं तो स्कैनर की मदद से कोई डाटा दे सकते हैं। वो डाटा उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। मतलब सीपीयू प्रोसेस करके हम लोग को जो एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। मतलब इनपुट और आउटपुट पूरा क्लियर हो गया। अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर का बहुत सारा पार्ट्स होता है, लेकिन उसमें सबसे बेसिक जो पार्ट होता है, देखिए कम से कम एक मॉनिटर रहना चाहिए। देखिए यह हो गया, यह प्रिंटर हो गया जिसके मदद से हम लोग कोई भी पेज को प्रिंट करते हैं, ये स्पीकर हो गया बाहरी साउंड के लिए, ये भी स्पीकर है। देखिए ये हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, और यहाँ पे ये सीपीयू है, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोग के द्वारा जो हम डाटा टाइप करते हैं, जितना भी प्रोसेसिंग का काम कर होता है, तो वो सब क्या करते हैं, सीपीयू ही करते हैं। मतलब सोचने समझने की जितना भी वर्क होता है वो सब क्या कौन करते हैं, वो सब आपका सीपीयू करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये सब था बेसिक पार्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारा रहता है कंप्यूटर के पास, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल यानी तो ट्रेड भी बोल सकते हैं, ई से एजुकेशन, और आर से रिसर्च। कॉमन का अर्थ क्या होता है, सामान्य रूप से। ऑपरेटिंग का अर्थ चलाने योग्य। मशीन को हम लोग हिंदी में यंत्र भी बोलते हैं। पार्टिकुलर जो विशेष रूप से यूज किया जाता है, यूज फॉर्म में उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, तो कोई तकनीकी क्षेत्र में, कोई व्यापार के रूप में, एजुकेशन शिक्षा के फील्ड में, अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में। तो अब हम लोग इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, सामान्य रूप से चलाने योग्य मशीन या अंत जो विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो कोई तकनीकी क्षेत्र के लिए, कोई व्यापार में, कोई शिक्षा में, नहीं तो कोई रिसर्च, नहीं तो उसी को अनुसंधान के कार्यों में किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर के फुल फॉर्म से भी हम लोग कंप्यूटर का डिफिनेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बूटिंग क्या होता है, यह क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि आखिर बूटिंग क्या होता है,
तो बूटिंग क्या होता है, व्हाट इज बूटिंग, तो बूटिंग इज एन स्टार्टिंग प्रोसेस। तो बूटिंग क्या होता है, एक स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। जब हम लोग किसी भी सिस्टम को दो तरीका से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए बूटिंग को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में। एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग हम लोग किसे कहेंगे, जब हम लोग किसी भी सिस्टम को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, देखिए वो सिस्टम पूरा कोल्ड रहता है। कोल्ड का अर्थ क्या होता है, ठंडा। जब वो पूरा जब सिस्टम ठंड रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जब वो यूज करने के बाद, वर्क करने के बाद, देखिए वो सिस्टम पूरा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। और नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट भी बोलते हैं। तो बूटिंग क्लियर है। बूटिंग कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के, कोल्ड बूटिंग एक वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहेंगे, जब हम लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, मतलब वो ठंड रहता है, कोल्ड रहता है, तो उसको कोल्ड बूटिंग। यूज करने के बाद वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसको वार्म बूटिंग। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन मेरे पूछे जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन आईटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहे, मुस्कुराते और हमारे साथ बने रहें।